हे गाइज, वेलकम टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी। और गाइज, जो मेरी ये वीडियो है मेरी 25 से 26 जुलाई की, मतलब जब संडे था ना, मैंने सैटरडे की वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, उसके बाद संडे की भी मैंने वीडियो बनाई थी जो कि मैं अपलोड कर ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला मुझे। सो अब मुझे टाइम मिल रहा तो आज मैं इसको डाल रही हूँ। सो तब की वीडियो है और सुबह सुबह मैंने बनाया था साबूदाने की खिचड़ी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल इसमें डाल दिया है और इसमें कुछ सरसों के बीज जिससे तड़का लगाते हैं वो डाल दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ मखाने लिए हुए थे, कुछ मूंगफली ली थी, कच्ची मूंगफली, उसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद गाइज, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे दो आलू कट करे हुए थे जो बहुत ही ज्यादा बारीक कट किए थे मैंने। ऐसा नहीं था कि मतलब मैंने ज्यादा मोटे नहीं कटे, क्योंकि ये फिर इनको पकने में टाइम लगता है, इसलिए मैंने बहुत ही ज्यादा बारीक काटे हुए थे ये आलू। आप लोग चाहे तो इसमें प्याज ऐड कर सकते हैं, और मैंने जैसे आपको बताया श्रावण का महीना चल रहा है तो हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे आलू ऐड किया है। आलू से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, अगर आप लोग चाहें तो आलू ऐड कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आप लोग इसमें और वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, जैसे मटर हुआ, गाजर हुआ, शिमला मिर्च हुए, काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास थे नहीं ये चीज़ें तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आलू ही ऐड किया हुआ है। तो मैं अब आलू में डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी और हल्का सा नमक, वो इसीलिए कि हमारे जो आलू हैं वो थोड़ा जल्दी गल जाएं। फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी गाइज। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी, टमाटर के साथ मैंने ग्रीन चिली भी ऐड कर दिया है, 2 से 3 ग्रीन चिली मैंने इसमें कट की हुई थी। सो अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सब्जी मसाला, उसके बाद धनिया पाउडर, ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ दोनों चीजों को। उसके बाद मैं यहाँ पे हल्का सा लाल मिर्च डालूंगी, क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली कट की हुई है तो ग्रीन चिली से ही बहुत ज्यादा मतलब स्पाइसी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा मैंने रेड चिली जो है वो कम डाली हुई है। अब मैं इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब मैं इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी और कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। गाइस आप लोग देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके थे इसको ऐसे छोड़े हुए, और हमारे आलू अच्छे से पक चुके हैं, मसाला भी अच्छे से पक चुका है, और अब मैं इसमें साबूदाना ऐड कर दूंगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि साबूदाने को मैंने 20 मिनट तक मैंने इसे पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल के आधे घंटे के लिए इसे ड्राई ही छोड़ दिया था। तो आधे घंटे हो चुके थे, तो अब मैं इसमें अपने मतलब जो साबूदाना है इसको ऐड कर दूंगी, और ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मसालों के साथ। थोड़ा बहुत तो गई थी, चिपकते ही चिपकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, बट अगर ज्यादा ही चिपकता है तो वो चिपकना बंद हो जाएगा। हमें ये तब तक फ्राई करते रहना है और तब तक इसको ऐसे ही रखना है जब तक जो ये हमारे साबूदाना व्हाइट कलर के ना, ये गोल्डन कलर के ना हो जाए। सो अभी देख सकते हैं गाइस आप लोग, अभी जो हमारे साबूदाना का कलर है वो व्हाइट ही है, मतलब जो साबूदाने हैं वो व्हाइट ही है, क्योंकि ये मैंने स्टील के बर्तन पे बनाया था। अगर आप इसे नॉन स्टिक पैन में बनाते हैं तो ये नहीं चिपकता है, बट स्टील में बनाओगे तो ये थोड़ा बहुत चिपकता ही चिपकता है नीचे, यानी कि नीचे लगता ही लगता है। सो अब आप लोग देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके थे और जो हमारा साबूदाना है वो बन के रेडी हो चुका है। साबूदाने का कलर भी आप लोग देख सकते हैं गोल्डन हो चुका है, और हमारा साबूदाने की खिचड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है संडे और जस्ट अभी मैंने कुछ देर पहले अपनी एक वीडियो का एंड किया, जो की वीडियो मैंने कल की बनाई हुई थी उसका एंड किया,
और अभी जस्ट मैं बना के आ रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। आप लोगों ने ब्रेकफास्ट में देख ही लिया होगा, मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था ना कि मुझे काफी सारे लोग बोल रहे कि आप रेसिपी नहीं डालती हो, तो चलो मैंने डाली दी। आज मैंने बनाया था साबुत दाने की खिचड़ी, बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है गाइस। तो अभी मैं अपना न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग सोचेंगे कि मेरे पीछे ये इतने सारे क्या है, तो ये वही गद्दे हैं जो मैं यहाँ मतलब आगे वाले कमरे पे बिछा के रखती हूँ, जहाँ पे हमारा एसी चलता है, जहाँ पे मैं काम करती हूँ। तो आज मुझे ये उठाना है, तो मैंने आज इसलिए उठाया क्योंकि मुझे आज करनी है सफाई यहाँ की। मैं मतलब एक दो दिन छोड़ के करती हूँ, जैसे परसों किया तो एक दिन छोड़ के फिर आज कर रही हूँ। और एक बड़ा रीजन इसका ये भी है कि हमारे कमरे में एक छोटा सा चूहा आ गया, वो शायद हमारी बालकनी खुली रहती है, जैसे आजकल बारिश वारिश आती है कई बार तो, या हवा आ जाती है, तो हम अपनी जो आगे की बालकनी है उसे खोल के रख देते हैं। तो मे भी वो वहां से आ गया और इतना ज्यादा उसने नाक में दम कर दिया, क्या बोलूं, हम तो बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि कब ये यहाँ से निकले और कब हम लोग आराम से मतलब रहे, क्योंकि एक तो वो आवाज करता है और रात में अंधेरे में मतलब वो बहुत ज्यादा कई चीजों का ऐसा करता है, जैसे कि पता नहीं क्या लगता है, कुछ चीज कोई तोड़ रहा है कुछ। आपको पता ही होगा कि चूहा किस तरीके से किस हद तक हमें परेशान कर देता है। तो बस एक वजह ये भी है कि मैंने सोचा कि अगर मैं भी झाड़ू पोछा करती तो मैं भी मुझे वो दिख जाए तो मैं उसे बाहर भगा दूं। वैसे तो दिखने से रहा क्योंकि इतना छोटा सा चूहा है, लेकिन नाक में उसने हमारे दम करके रखा हुआ है। एनीवे आप लोग सोचेंगे कि मेरा ऐसा क्यों कोई सुरखा है, ना मैंने बाल बना रखे हैं ना कुछ, वो इसलिए गाइस क्योंकि जस्ट अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट ना के आई हूँ और इतनी ज्यादा किचन में गर्मी हो जाती है ना, जो कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग भी अपने किचन में खाना बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि कितनी ज्यादा गर्मी हो जाती है खाना बनाते टाइम, तो इसीलिए कुछ भी मैंने नहीं किया है। तो चलिए अभी मुझे ज्यादा बातें नहीं करनी है आपके साथ और थोड़ा सा मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ झाड़ू पोछा अपना। तो चलो मारते हैं झाड़ू पोछा और फिर मिलती हूँ आपको, बाय। तो गाइस जैसे ही मैंने यहाँ पे पोछा मारना शुरू किया तो वो जो छोटा सा चूहा था ना वो यहाँ से बाकी उधर चले गया, बट अभी कहाँ गया मिल नहीं रहा है। मुझे लग रहा है मे बी इन पर्दों के नीचे है, बट पता नहीं कहाँ चले गए गाइस। बहुत ज्यादा नाक में दम करके रख दिया चूहे ने, अभी देखती हूँ अगर मिल जाता है तो भगा लेती हूँ, और नहीं मिलेगा तो मुझे खुद चूहों से डर लगता है। भले तो छोटा सा है बट फिर भी चूहे से तो डर हर किसी को लगता है, मुझे भी डर लगता है, तो देखती हूँ अगर भाग जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर सिर दर्द करके रख दिया इस चूहे ने। करके आई हूँ और आप लोग देख सकते हैं पसीने बहुत ज्यादा हो गए हैं क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। झाड़ू पोछा किया, कपड़े धोए, उसके बाद बर्तन धोए, तो काफी ज्यादा हो जाता है, और अभी जाके मेरा काम फिनिश हुआ है। और ये पीछे आप लोग देख सकते हैं पूरा बेडरूम मैसी पड़ा हुआ है, अभी मेरे को यहाँ पे ये गद्दे लगाने हैं, कपड़े तय करने हैं, कपड़े देख सकते हैं आप लोग, ये सारे कपड़े से फैले हुए हैं, इन कपड़ों की तय लगा के अलमीरा में रखनी है। तो चलिए गाइज अभी मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगी, मैं आप लोगों को मिलती हूँ कुछ देर बाद। सो गाइज अभी मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है और मैं आ चुकी हूँ अपने मतलब रूम पे, ये बाहर वाले ऑफिस रूम में, यहाँ पे एसी है तो ये एसी चल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है गाइज, तो मैंने सोचा थोड़ा एसी की हवा ले लूं। सो आप लोग सोचेंगे मैंने ये ड्रेस चेंज क्यों कर ली, यही ड्रेस मैंने सुबह भी पहनी थी, यानी कि जब मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही थी अपना तब भी मैंने ड्रेस पहनी थी, बट उसके बाद मेरे को झाड़ू पोछा करना था तो मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली, मैक्सी पहन ली। तो अभी मैंने फिर से नहा धो के फिर मैं दोबारा नहाई हूँ और फिर यही ड्रेस डाल दिए, क्योंकि गाइज नहाना धोना दो तीन बार इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा पसीना आ जाती है काम करके, तो नहाना धोना तो बनता ही बनता है। तो चलो अभी थोड़ा सा मैं एसी की हवा ले लूँ, थोड़ा सा मतलब ठंड मुझे फील हो जाए क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होगी। हाथ पांव मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मेरे हाथ पांव एकदम गर्म हो जाते हैं। तो चलो अब ज्यादा बात नहीं करते हूँ आप लोग को और चलते हैं थोड़ी देर में नीचे, देखते हैं लंच में हम क्या बनाते हैं, तो तब मैं आपको मिलती हूँ। ओके सो गाइज अभी शाम की हो चुकी है 7:30, देख सकते हो आप लोग अंधेरा होने को आ गया है और मैं थोड़ा अभी अपने बाल बना रही हूँ। वैसे तो नहीं बनाना चाहिए शाम को बट मेरे बाल बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, मैंने कॉम नहीं किया था तो मैं अभी कॉम कर रही हूँ
और अंदर मैंने रखा हुआ है सांभर, और आज हम बनाएंगे सांभर साथ में भिंडी चावल और रोटी। तो चलो सांभर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, बट भिंडी की मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो चलो थोड़ा सा मैं बाहर पे अपने बालों पे कॉम करती हूँ। देख रहे हो आप लोग, अंधेरा हो गया है, चांद भी आ गया है और हमारे घर की लाइट भी जल गई है। चलो अभी आज हमने अपने अमरूद का पेड़ ना थोड़ा सा कट कर लिया, क्योंकि हम तो गाइज बाल बना के मैं आ गई थी अंदर, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कट की हुई है भिंडी, और आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी की सब्जी, यानी कि जो हमारा रात का डिनर होगा वो भिंडी की सब्जी है। साथ ही साथ यहाँ पे हमने गैस में दूध भी चढ़ाया हुआ है, और साथ में हमने सांभर, आज हम सांभर भी बनाएंगे। तो सांभर बनाने के लिए भी दालों और जो सब्जियां हैं उसे उबालने के लिए रखी हुई है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं सब्जी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लिया हुआ है, ज्यादा तेल नहीं लिया हुआ है। इसमें मैंने हल्के से सरसों के बीज ऐड कर दिए हुए हैं, और जब तक ये, उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा ऐड कर दिया है, और जीरा हमारा अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने ये भिंडी कट की हुई थी, भिंडी के साथ मैंने ग्रीन चिली भी कट की हुई है। इतनी जल्दी भिंडी की सब्जी बन जाती है, तो मैंने ज्यादा भिंडी की सब्जी नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी ही बनाई है, क्योंकि दाल भी थी यानी कि सांभर भी था, तो इसलिए सब्जी मैंने ज्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी। तो इसको मैं अच्छे से तेल में मिक्स कर दूंगी। आप लोग चाहें तो गाइज इसमें प्याज भी कट कर सकते हैं, बड़े बड़े प्याज कट कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस सब्जी का। बट मैं आप लोग को जैसे बता ही चुकी हूँ, थोड़ी देर पहले ही बोला है मैंने कि हम लोग प्याज नहीं खाते हैं श्रावण में, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं डाला। अदरवाइज हम प्याज डालते हैं, बट आजकल नहीं खाते तो नहीं डाला। ऐसे भी अच्छा होता है, बट अगर प्याज डालें तो उससे और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मैं भिंडी को अच्छे से तेल में फ्राई कर दूंगी। भिंडी का सबसे मेन जो मतलब इस सब्जी का जो सबसे मेन टेस्ट होता है ना, वो यही होता है कि हमें भिंडी को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से तेल में फ्राई करना है। जब हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे तभी हमारी भिंडी जो है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, और अगर हम इसे थोड़ा 1 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे तो इसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। मसालों में मैंने सबसे पहले यहाँ पे हल्दी पाउडर ले लिया है, हल्दी पाउडर के बाद मैंने सब्जी मसाला ऐड कर लिया है, उसके बाद मैंने धनिया पाउडर ऐड कर लिया है, हल्का सा नमक इसमें ऐड किया है, और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। यहाँ पे मैंने रेड चिली ऐड नहीं की है, जैसे कि बोल ही चुकी हूँ आपको कि मैंने इसमें ग्रीन चिली कट की हुई थी, इसलिए रेड चिली मैंने यहाँ पे ऐड बिल्कुल भी नहीं की। उसके बाद मैंने इसमें 1 से 1.5 टमाटर कट किए हुए थे, उसको मैं इसमें अच्छे से ऐड कर दूंगी और इसको भी मिक्स कर दूंगी, और फिर कुछ देर के लिए इसे ढक के रख दूंगी। तो गाइस 5 मिनट हो चुके थे इसको ढक के रखे हुए, और आप लोग देख सकते हैं हमारी सब्जी 95% तक पक चुकी है। तो देख सकते हैं आप लोग हमारी सब्जी बिल्कुल बनके रेडी हो चुकी है, और बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, आप लोग एक बार जरूर बनाएं। तो सब्जी मेरी बन चुकी है, यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ और मम्मी बना रही है यहाँ पे सांभर। तो सांभर की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, तो वो नहीं जरूरत है कि करूँ। सो देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखिए हमारा सांभर भी बन चुका है, जो कि मम्मी ने बनाया था, वो बहुत टेस्टी बनाती है, तो इसलिए आज मैंने कहा कि आप ही बना लो। साथ में हमारी भिंडी की सब्जी, हमारी और ये हमारी रोटियां, और यहाँ पे बन रहे मतलब हमारे चमक बन चुके हैं, बट जो इसका वो होता है ना भाप, वो आ रहा है अभी, तो जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक हम चावल ही खा सकते हैं। आ चुकी हूँ मैं अभी अपने रूम पे, और अभी जस्ट हमने डिनर किया, और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज मैंने डिनर में क्या बनाया था। हाँ जी, आज मैंने बनाया था सांभर, भिंडी, चावल और थोड़ी सी रोटियां, थोड़ी सी तो नहीं बट रोटियां ठीक ही बनाई थी। सो ये सारी चीजें बनाई थी, और रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। आज मैंने अपनी इस वीडियो में 2-2 रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है। अब तो आप लोगों को मेरे से शिकायत नहीं होगी ना कि मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ। आज तो मैंने 2 रेसिपी शेयर की है, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो चलो गाइज, अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो को लेंथी नहीं करना है, और मिलती हूँ आपको अपने कल के व्लॉग में। मे बी मैं कल व्लॉगिंग करूंगी, क्योंकि आजकल मैं सोच रही हूँ कि मैं हर डे पे अपना व्लॉगिंग स्टार्ट करूं,
और मैं आजकल जैसे अपने मेकअप लुक हुए, जो भी रिव्यू वगैरह जो भी मैं एक्स्ट्रा करती हूँ व्लॉगिंग से एक्स्ट्रा करती हूँ वो नहीं कर रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ मैं आप लोगों के साथ अपनी व्लॉगिंग ही शेयर करूँ। तो चलो अगर मैं कल व्लॉग स्टार्ट करूंगी तो आप लोगों को दिख ही जाएगा, और अगर नहीं किया तो वो भी आप लोग को दिख जाएगा। तो चलो अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अपने एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।